हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत सारे बच्चे अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सभी लोग? वीडियो का एक बार लाइक जरूर कर दें। जिन भी बच्चों का अभी भी एडमिशन नहीं हुआ है, दिस अपडेट रिगार्डिंग द IGNTU अमरकंटक इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। यार स्पेशली इस कॉलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा बच्चों की डिमांड है, चाहे वो PG कोर्स हो चाहे वो UG कोर्स हो। यूजी कोर्सेज के अंदर जो बी फार्मा डी फार्मा जैसे कोर्सेज के लिए काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड है कि भैया हमको एडमिशन चाहिए इस कॉलेज के अंदर। यहाँ पे हालांकि प्रोविजनल लिस्ट रिलीज की गई, जहाँ पे बी फार्मा कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो 800 बच्चों ने अप्लाई किया था। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट शॉर्टेड लिस्टेड कैंडिडेट की जारी कर दी गई। काफ़ी दिन हो गए बच्चों को फीस पेमेंट का मौका दिया गया था 30 अक्टूबर तक का। अब बच्चे वेटिंग कर रहे हैं सेकेंड राउंड का। इसी के साथ ही जो है सेकेंड फर्स्ट अलॉटमेंट जो है स्पेशली PG प्रोग्राम BEd के लिए भी रिलीज कर दिया गया था। एंड अगर मैं बात करूँ कोर्सेज की तो टिल आई थिंक फीस पेमेंट 25/11 तक दिया गया, राइट? तो यहाँ पर भी बहुत सारे कोर्सेज की प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट UG एंड PG कोर्सेज की रिलीज कर दी गई है। अब आगे का क्या प्रोसेस है, क्या सारा सीन है, किन बच्चों को एडमिशन मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा, कितनी सीटें अभी भी वैकेंट पड़ी है, तो उसके बारे में आज डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जस्ट वेट ना, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो यार अगर मैं बात करूँ IGNTU का तो उतना ज़्यादा इसका वैसे नहीं है, ये कोई बड़ा ब्रांड नहीं है। बिकॉज ये जस्ट लाइक अगर मैं इसके एड्रेस की बात करें तो उसमें थोड़ा सा इश्यू रहता है बच्चों को यहाँ पर पहुँचने के अंदर। अगर मैं बात करूँ इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक विलेज लालपुर डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर MP, ठीक है, MP के अंदर एक कॉलेज है। एंड स्पेशली जो बच्चे जो चाहते हैं उनको जो मिल रहे, ठीक है, लोकेशन वो गुड़गांव नोएडा दिल्ली, ठीक है, ऑन कैंपस स्पेशली। एंड राजस्थान का कुछ एरिया जैसे जयपुर हो गया या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में सब लोग जाना चाहते हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी अच्छी हो, फैसिलिटीज अच्छी हो, घूमने के लिए अच्छी जगह हो, राइट? ऐसे तो वरना बहुत सारे कॉलेज जैसे राजस्थान हरियाणा पंजाब उड़ीसा जस्ट लाइक मेघालय सिक्किम, लेकिन बच्चों की भी यही पहुंच होती है कि भैया जस्ट लाइक ऑलमोस्ट इंडिया के जितने बच्चे हैं उनका फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहता है कि हमको दिल्ली के अंदर कुछ कुछ मिल जाए, तो यार उससे बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता कोई, ठीक है। मतलब दिल्ली के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशनल है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो ऑल ओवर द इंडिया के इंस्टीट्यूट से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो वहाँ पर जो घूमने का जो मिल जाता है, ठीक है, आपको जो एक्सपोजर हो जाता है, इंडस्ट्रियल हो जाता है, हर कंपनी में जाने का आपके पास ऑप्शन होता है, हर चीज़ आप वहाँ से सीख सकते हो। ऐसा नहीं है, वैसे आजकल डिजिटलाइजेशन हो रहा। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट की, जिन भी बच्चों का CUET फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट में जो लोग सेलेक्ट हो गए थे, ठीक है, स्पेशली यार एक मैं आपको अर्जेंट अपडेट बता दूँ, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता नहीं लगता कि किस कॉलेज की काउंसलिंग अपडेट आ रही है, किसकी नहीं आ रही, किस में कितनी सीटें वैकेंट है, किस में कितनी भर गई है, तो उसके लिए जो हमारा CUET ब्रॉडकास्ट सर्विस चलता है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर हम आपको सुबह शाम आपको जो है डिटेल शेयर कर देते हैं कि इस कॉलेज में ये सीन चल रहा है, इसमें ये चल रहा है। साथ में जो हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी है UG PG के, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से UG एंड PG। आगे बढ़ते हैं यार, फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह सिलेक्शन हो चुका था। तो हर कॉलेज में जो फर्स्ट राउंड की जो सिलेक्शन जो सीटें जो भर्ती हैं, ठीक है, एक्सेप्टेंस सीट SAP जिसको बोला जाता है, ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस प्रोबेबिलिटी वो बहुत कम रहती है, 15%। अगर 100 सीटें हैं तो सिर्फ 15 सीटें भरती है। मेजोरिटी जो सीटें भरती है वो टिल लास्ट राउंड तक या फिर स्पोर्ट राउंड में भरती है, तो आपको बिल्कुल अभी घबराना नहीं है। अगर 800 बच्चों ने वहाँ पे अप्लाई किया था तो 150 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको एडमिशन लेना ही नहीं है, ठीक है। एंड बहुत सारे बच्चे तो मतलब बिना काउंसलिंग के भाव में उनकी सीट ऐसे चली जाती है, काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं लेकिन पता ही नहीं लग पाता, इसलिए उनकी हम हेल्प करते हैं। हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया गया, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। ओके, और अगर मैं बात करूँ तो यार अभी जल्दी हमारी जो है सेकेंड लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी। अगर मैं बात करूँ आपको तो 3 तारीख से पहले आपकी UG की सेकेंड लिस्ट आ जाएगी। हालांकि आपको जो है अगर मैं बात करूँ इसकी तो आपको कितना टाइम दिया था, 30 तारीख तक का दिया था। अगर इसको कोई एक्सटेंड वगैरह ना करे तो आपकी जो है जल्दी आ जाएगी, 3 तारीख से पहले आपकी जो है सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज करने की पूरी प्रोबेबिलिटी बन रही है। और हाँ, अभी काफ़ी सारी सीटें वैकेंट है तो आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। और जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनके काफ़ी कम मार्क्स हैं, हम आपको एकदम लोएस्ट काउंसलिंग प्राइजेस के अंदर हम आपको काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट कराते हैं। अभी हमारी इतने दिन काउंसलिंग प्राइस ओनली फॉर 1499 रुपये थी, जिसके अंदर हम आपको जो है पूरी की पूरी अपडेट देते हैं रिगार्डिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड अदर,
ठीक है। तो आप देख सकते हो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है, बहुत सारे जो है कोर्सेज प्रोवाइड करता है, यूजी के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज देता है, पीजी के अंदर भी बहुत ही ज्यादा कोर्सेज देता है। तो जैसे आप लोग यहीं इसी के साथ जुड़े रहो यार, मेरा एक न्यू चैनल हमने स्टार्ट किया है मिशन टू शेयर, जिसके ऊपर हम आपको काफ़ी अच्छी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया गया है गाइस। थैंक यू सो मच। खूब पढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो। धन्यवाद।